आयरन बॉक्स डोसा वाला। एक गांव में सतीश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी थी दीपा। उस गांव में 4 सालों से लगातार फसल नहीं उग रहा था। नतीजा ये हुआ कि सतीश कर्ज में डूब गया। कर्जदारों ने आकर उसका जो थोड़ा बहुत खेत था उसको जब्त कर लिया। सतीश लाचार होकर सिर पकड़ कर बैठ गया। तब उसकी पत्नी दीपा, देखो जी, यूं सर पर हाथ धरे बैठने पर काम नहीं चलेगा। अब हम इस गांव में कुछ नहीं कर सकते। शहर में आपके एक दोस्त है ना, उसे मदद मांगिए। शहर में जाकर मेहनत करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अरे सही समय पर याद दिलाया। मेरा दोस्त गिरीश 5 साल से शहर में रहता है। उसने इन 5 सालों में खूब पैसे कमाए हैं। वो हमारी मदद जरूर करेगा। इस तरह सतीश और दीपा शहर गए गिरीश से मिले। जो कुछ हुआ सतीश ने गिरीश को बताया और यार गिरीश, अब तुम ही हमारी कोई मदद करो। अगर मुसीबत के समय काम ना आया तो वो दोस्त किस काम का। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ये शहर है यार, यहाँ के तौर तरीके अलग हैं। अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो पैसे कमाने कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तुम क्या कर सकते हो जरा बताओ। भाई साहब, ये डोसा बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं इनका मदद करूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें डोसा का ठेला लगाने के लिए पैसे देता हूँ, पर तुम जो हर रोज कमाओगे उसमें से एक हिस्सा मुझे देना होगा। अरे इसमें क्या है यार, वो हिसाब किताब तुम ही देख लेना। तब गिरीश ने डोसे के ठेले के लिए जो कुछ चाहिए था सब खरीद कर दिया। और देखो सतीश, अगर तुम्हारा डोसा अच्छा हुआ तो खूब चलेगी ये धंधा। मन लगा कर काम करना, मैं शाम को आकर हिसाब किताब देख लूंगा। अच्छा वैसे इन कागजों पर जरा दस्तखत करना। तब सतीश ने उन कागजों पर दस्तखत किया। यार मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें इस मदद के लिए कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। अरे लौटा देना यार, जल्दी क्या है। कहकर वहां से चला गया। दीपा और सतीश डोसा बनाने लगे। सतीश का डोसा स्वादिष्ट था, इसलिए बहुत सारे लोग आकर वहां खाकर जाते थे। उस दिन शाम तक उनके पास खूब सारे पैसे जमा हो गए। पहला ही दिन इतना अच्छा चल पड़ा है, अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी हम भाई साहब के पैसे चुका सकते हैं। तभी गिरीश वहाँ पहुँचा। अरे वाह, पहला ही दिन तुम्हारा धंधा खूब चल पड़ा है, मुझे बहुत खुशी है यार। अब जरा हिसाब किताब देख लें। कहकर एक कागज निकाला, फिर कुछ हिसाब किताब करने लगा। उसके बाद इस हिसाब से मेरा हिस्सा इतना बनता है। कहकर उन्होंने जो दिन भर कमाया था सब पैसे ले लिए। ये देखकर वे दोनों हैरान हो गए। गिरीश जाते जाते, कल डोसा बनाने के लिए सामान की जरूरत होगी ना, ये लो 2000 रुपए, ये नया उधार है, मैं तुम्हें कम ब्याज पर दे रहा हूँ। कहकर वहाँ से चला गया। सतीश और दीपा को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वे दोनों नाराज होकर और गुस्से में गिरीश की ओर देखने लगे। गिरीश अगले दिन सवेरे आया और वहाँ आकर 4 डोसा खा के घर के लिए 10 डोसा पार्सल करने को कहा। अरे यार, यहाँ आसपास कहीं और कोई डोसा इतना स्वादिष्ट नहीं बनाता, मैं शाम को आकर हिसाब किताब देखता हूँ। कहकर चला गया। यूं ही कुछ दिन बीत गए। सतीश और दीपा मेहनत तो कर रहे थे पर पैसे नहीं बच रहे थे। डोसा का धंधा खूब चल रहा था। दूर दूर से लोग आकर लाइन में खड़े होकर डोसा खाते थे। हर शाम को गिरीश आता, सारा पैसा ले लेता और नया उधार देकर जाता था। ये क्या है जी, हमने सोचा कि वो आपका दोस्त है, आपका मदद करेगा, पर ये तो हमारी कमाई का रहा है। समझ में नहीं आता कि धंधा खूब चलने की खुशी मनाए या अपना उधार कम नहीं हो रहा है इसका शोक मनाए। ऐसा रहा तो कैसा चलेगा। मैंने ये नहीं देखा कि कागज में क्या लिखा था और मैंने दस्तखत कर दिया, अब पछता रहा हूँ। देखते हैं कि क्या होता है। एक बार लगातार 3 दिन बारिश हुई। उस डोसे के ठेले के पास कोई नहीं आ रहा था। चौथे दिन गिरीश सतीश के पास आया और सतीश से पैसे मांगे। अरे यार देख तो रहे हो, 3 दिनों से बारिश हो रही है, धंधा नहीं चला यार। ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पैसे मुझे दे दो, मैं अच्छा हूँ इसीलिए 3 दिन रुका रहा। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो ये अंगीठी तवा सब मैं जब्त कर लूंगा। क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ मैं 3 दिन रुका रहा, अब मैं और नहीं रुक सकता। मैंने जो खरीद के दिया ये तवा अंगीठी सब लेकर जा रहा हूँ। कहकर वो सारा सामान लेकर चला गया। तब सतीश दीपा से, अब क्या करें, हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं है।
तुम चिंता ना करो, ये भी एक तरह से अच्छा ही है। बहुत दिनों से नंदूलाल के दुकान में सामान खरीद रहे हैं, वो हमें उधार देगा, हम सामान उधार में ले लेंगे, उसे ब्याज देने की जरूरत नहीं है। सही समय पर पैसे लौटा दिया तो काफी है। जहाँ तक अंगीठी का सवाल है, उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन सतीश के डोसा वाले ठेले के पास बहुत सारे लोग आए। सतीश एक स्त्री पेटी के ऊपर डोसे बनाकर सबको दे रहा था। चूंकि लोगों को सतीश के डोसों की आदत थी तो लोग आकर खूब खाने लगे। स्त्री पेटी डोसा बहुत मशहूर हो गया और लोग भारी मात्रा में आकर खाने लगे। कॉलेज स्टूडेंट ने सतीश के बारे में जाना और उसका एक वीडियो निकाल कर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। उस वीडियो को देखकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने आकर सतीश के पास डोसा खाया। उसने सतीश की खूब प्रशंसा की। तुम्हारा डोसा और ये स्त्री पेटी का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे व्यापार के लिए निवेश दूंगा। तुम काफी धनवान हो सकते हो। मैं तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस बिजनेसमैन की मदद से सतीश ने अपने धंधा को खूब बढ़ाया। उसने बहुत जल्द खूब पैसे कमाए और अपना सारा उधार चुका दिया। गांव के अपने जमीन को भी अपने नाम वापस कर लिया। अपने जैसे गिरीश के पास धोखा खाए हुए लोगों को उसने अपने धंधे में शामिल किया, उनको भी जीने का राह दिखाया। भाई चिकन शवरमा। विकासपुर नाम का एक गांव था। विजय नाम का एक मोटरबाइक रिपेयर करने वाला रहता था। एक दिन उसके पास उसका दोस्त लकी आया। लकी को देखकर विजय, ओ यार लकी, कितने दिन हो गए हमें मिले हुए, क्या लोगे, चाय या कॉफी? वो सब रहने दो यार, बस तुम्हारे दुकान के सामने एक दुकान दिला दो मुझे तो एक बढ़िया सा चिकन शवरमा का धंधा शुरू करूंगा। अच्छा, ये कौन सी बड़ी बात है, वो मेरे भाई की ही दुकान है, चलो अभी चलकर बात करते हैं। कहकर दोनों विजय के भाई मनोज के घर गए। घर पर मनोज और उसकी पत्नी प्रभा थे। विजय ने लकी का प्लान समझाया। देखो भैया, महीने को 10,000 किराया है, क्या कहते हो? भाभी अभी धंधा शुरू कर रहा है, इतना किराया कैसे दे पाएगा? फिलहाल महीने के 4,000 रुपए देगा, जब धंधा चल पड़े तो जो किराया मांगा वो दे देगा। ठीक है, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, गड़बड़ किया तो मैं तुम्हारा मोटर बाइक के दुकान ले लूंगी। अगले दिन से लकी एक शवरमा की दुकान चलाने लगा। उसका शवरमा काफी स्वादिष्ट था, इसीलिए 10 ही दिन में उसकी दुकान खूब चल पड़ी। अब लकी के पास आकर विजय, सुन तुझे दुकान के बारे में कोई भी बात करनी हो तो पहले मेरे पास आना, सीधे भाभी के पास मत जाना, कहकर चला गया। यूं एक महीने बाद लकी को धंधे में काफी लाभ हुआ। तब लकी मन में, प्रभा जी को 10,000 का किराया दिया तो वो बहुत खुश हो जाएंगी, कभी देर हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं होगा, जाकर देता हूँ। यूं सोचकर प्रभा के पास गया और, मैडम आपका हाथ अच्छा है इसीलिए मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, ये लीजिए आपके 10,000, कहकर पैसे देकर चला गया। बाद में लकी ने विजय से जाकर वो 10,000 देने की बात कही। अरे लकी, ये तूने क्या किया, इस एरिया में 4,000 रुपए से ज्यादा कोई किराया नहीं देता है। मेरे भाभी को लालच करते हुए देखकर मैंने ही उसे कम कराया था, पर तुम बड़े दिलदार बनकर उन्हें 10,000 थमा आए हो, अब लालच में आकर पता नहीं वो क्या कयामत करने वाली है। अगले दिन लकी के शॉप के पास आकर प्रभा, देखो लकी, मुझे किराया नहीं चाहिए, अपने लाभ में मुझे हिस्सा दे दो, बस महीने को 40,000। ये सुनकर लकी, ये तो सरासर अन्याय है, मैं सिर्फ 10,000 किराया दे सकता हूँ, वो भी क्योंकि मैंने जबान दिया था। ये सुनकर प्रभा, अच्छा तो लकी बाबू, तो फिर कल ही ये दुकान खाली कर लेना भैया, कहकर वहाँ से चली गयी। लकी को मजबूर होकर दुकान खाली करना पड़ा। उसकी जगह प्रभा ने चिकन शवरमा का दुकान खोला। तब लकी विजय के पास आया। यार तेरी भाभी तो बहुत खतरनाक निकली, मैं तेरी बात नहीं सुना, इसकी मुझे अच्छी सजा मिली है, अब मैं क्या करूं, तुम्हारी भाभी ने दुकान भी खोल लिया है, अब मैं अपने गांव चला जाता हूं। यार तूने अपने मुंह से एक और भी शब्द निकाला तो मेरे हाथों पिटेगा, तू 2 दिन चुपचाप बैठ, तेरी दुकान मैं लगा कर देता हूं। अगले दिन विजय ने एक मोटरबाइक में शवरमा का सेटअप लगाया। इतने में लकी वहां आया। यार ये मोटरबाइक शवरमा का सेटअप तो बहुत बढ़िया है, इससे मैं कहीं भी शवरमा बेच सकता हूँ। इतना ही नहीं, जब कोई तुम्हें फोन करेगा तो तुम उसके घर जाकर लाइव शवरमा उसे दे सकते हो। कम से कम अब से ध्यान से धंधा करो,
अगले दिन से लक्की मोटर बाइक में घर घर जाकर चिकन शवरमा बेचने लगा। उसका धंधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। प्रभा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो विजय के पास गई। प्रभा, क्यों विजय, मेरा धंधा खराब करने के लिए तुमने लक्की के लिए मोटर बाइक शवरमा सेटअप करके दिया, ये ठीक नहीं है। देखो भाभी, एक तो तुमने लक्की को धोखा दिया, ऊपर से यूं जता रहे हो जैसे ये शवरमा का बिजनेस तुम्हारा अपना है। अब देखती जाओ, आपने जो छल किया है मैं पूरा गांव को बताकर तुम्हारा धंधा बंद करा दूंगा। कहकर विजय ने गांव वालों को बुलाया। लक्की का परिचय देते हुए ये भी बताया कि कैसे प्रभा ने लक्की के साथ छल किया। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने प्रभा के पास चिकन शवरमा के लिए जाना बंद कर दिया। लक्की का धंधा धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो घर घर जाकर शवरमा बेचकर खूब पैसे कमाने लगा।